नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीपी रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, आईटीपी के जो हेड कांस्टेबल के फिजिकल हो गए थे उसकी जो है रिटर्न एग्ज़ाम की डेट आ गई है। दोस्तों यदि आपका फिजिकल नहीं हुआ हो तो आप टेंशन न लें, आपकी डेट जो है आने वाले टाइम में मिल जाएगी। दोस्तों बात करते हैं जिन कैंडिडेटों के फिजिकल हो गए हैं, ये उन्हीं के लिए डेट आई है। और जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो जिन कैंडिडेट का फिजिकल हो गया है सिर्फ उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा जो रिटर्न एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आपको बता दूं कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसकी रिटर्न एग्ज़ाम डेट कब है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको आज ही एक मेल आया होगा, अपनी ईमेल खोलिए आप, जो आपने इसमें दे रखी है आईटीबीपी के फॉर्म अप्लाई किया था जब, उसमें आपको एक मेल आया होगा उसी ईमेल पर। दोस्तों ये है मेल, मुझको आया है, आप देख सकते हैं इस तरह से, आज ही 23 जनवरी को ये मुझको मेल आया है, 11:54 पर ये मुझको मेल आया है। दोस्तों ये आईटीबी की तरफ से ही आया है और जो मैंने बिलर करा है ये, इसमें कुछ मेरी पर्सनल डिटेल थी इसलिए मैं आपको उनको नहीं दिखा सकता। बाकी आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या जो है डेट बताई है रिटर्न एग्ज़ाम की। दोस्तों बात करते हैं कि मेल में इन्होंने क्या दिया था, आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, आप यहाँ पर स्क्रीन शूट ले लेना आप, उसको बाद में भी आप देख लेना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो शॉर्ट करते हुए कि इसमें जो इन्होंने डेट बताई है जो रिटर्न एग्ज़ाम की, जो बताई है इन्होंने 1st वीक बताया है फरवरी का, यानी दोस्तों आप ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, आज 23 तारीख है, लगभग आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे 7-8 दिन के बाद। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा वो 1st वीक के अंदर होगा फरवरी के, यानी कि 1st वीक से जो आपके फरवरी के रिटर्न एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों जिस तरह से आपके जो कुछ कैंडिडेटों के पहले हो गए थे फिजिकल, तो उनके जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा पहला होगा, उनकी डेट पहला आ जाएगी, और जिस कैंडिडेट का बाद में हुआ तो उनकी डेट बाद में आएगी, उसी हिसाब से दोस्तों आपको टाइम मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके जो रिटर्न एग्ज़ाम है फरवरी में आपके कम्प्लीट हो जाएंगे। दोस्तों इन्होंने जो बताया है कि आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो इनके आईटीपी की जो ऑफिशियल साइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। दोस्तों जिस टाइम एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अपडेट पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों इन्होंने जो इसमें बताया है अपना सिलेबस भी बताया है, जिसमें सिलेबस में इन्होंने दिया है कि आपका जो सिलेबस रहेगा जनरल अर्थमेटिक 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 30 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश 35 क्वेश्चन और थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन। टोटल दोस्तों आपके जो इसमें क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और जिन जो आपके 100 नंबर के होंगे। और दोस्तों अब इसके टाइम टेबल की बात करते हैं, इसमें टाइम जो रहेगा आपका 3 घंटे का टाइम रहेगा, और जो आपका क्वेश्चन लेवल रहेगा वो 12th का रहेगा। दोस्तों यही सब इन्होंने इस मेल में बताया था और बेस्ट विशेस भी दी हैं इन्होंने। दोस्तों इस तरह का मेल आपको भी आ गया होगा, आप चेक कर सकते हैं। और यही अपडेट थी दोस्तों आईटीपी के रिटर्न एग्ज़ाम को लेकर। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों एडमिट कार्ड जिस तरह जैसे ही आते हैं मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों अभी जो है एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, सिर्फ डेट आई है कि स्टार्ट कब से हो जाएंगे। दोबारा बता दूं कि दोस्तों आपको जो इसके रिटर्न एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे फरवरी के 1st वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आईटीबी से रिलेटेड यदि आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और हर किसी भी तरह की आपको जानकारी लेनी हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ से हर प्रकार की वीडियो मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।